आज दोस्तों बिजनेस करने का एक ऐसा सीक्रेट फार्मूला लेके आया हूँ जो कोई किसी को नहीं बताता, यहाँ तक कि यार दोस्तों को भी नहीं बताता। इसलिए नहीं बताता कि इसमें कंपटीशन बढ़ जाएगा, लेकिन मैं आज वो पिटारा खोलने वाला हूँ। आपको ऐसा मंत्र दूंगा दोस्तों, आप 5 लाख रुपए लगेगा इसमें। देखिए लिखा होगा 5 लाख 50 स्क्वायर फीट जमीन और 2 लोग चाहिए, और ये आपका 5 लाख 5 महीने में 20 लाख बन जाएगा। एक एक पॉइंट मैं दिखाता हूँ। कोई यहाँ पे उद्योग नहीं लगाना है, कोई फैक्ट्री नहीं डालना है, ऑलरेडी बिजनेस करना है। आराम से कुर्सी पे बैठिए, कहीं नहीं जाना है, और आपका पैसा ऑटोमेटिक 4 गुना हो जाएगा। ये पैसे नहीं डूबेगा। आप हमसे लिखित ले लीजिए और जब भी बिजनेस लगा के करिए, धुआंधार माल बिक जाएगा। तो दोस्तों ये बिजनेस को कैसे करना है, ये बिजनेस कौन सा है, कितनी लागत, कितना प्रॉफिट, कौन से कागजात लगेंगे, सारा चीज आज हम आप लोगों के सामने ओपन करेंगे। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि बिजनेस, तो दोस्तों हम लास्ट में बताएंगे वो बिजनेस कौन है, बिजनेस को कैसे करना है, कितने प्रॉफिट पे करना है, पहले आप इसको समझ लीजिए। क्योंकि ये जब आप समझ गए तो बिजनेस करने का ऑटोमेटिक आ जाएगा। जैसे दोस्तों आपको मैथ लगाना है, अगर मैथ लगाने का आप फार्मूला सीख गए तो आपको दोस्तों डिजिट से कोई मतलब नहीं है। डिजिट कितने की है, डिजिट से कोई माने नहीं रखता है, फार्मूला माने रखता है। तो दोस्तों हम जो फार्मूला बताएंगे, जो मंत्र बताएंगे, इस मंत्र, इस फार्मूले से आप बिजनेस करेंगे, सफलता से कोई आपको नहीं रोक सकता है। आप जो चाहेंगे ऊंचाई हासिल कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको हम यहाँ पे 1 महीने का रेशियो लेंगे। 1 महीने में हम 2 भागों में डिवाइड करेंगे। 1 से 15 दिन का हम लेखा जोखा रखेंगे, फिर 15 से 30 दिन यानी फिर 15 दिन का, 1 महीने में 2 अपने पैसे को हम डिवाइड करेंगे। यहाँ पे बिजनेस कैसे करना है ये भी बता रहे हैं, 2% पे बिजनेस करना है। यहाँ पे हम 2% का रेशियो लगाए हैं। आप बैंक में पैसा डालते हैं, कितना परसेंट मिलता है आपको, 3 से 4% मिलता है, बहुत बैंक देती होगी तो 5%, चलिए कोई और देता होगा 6%, इससे ज़्यादा वो भी 6% ईयरली देता है। आप कितना कमा लेंगे, आप वहाँ 5 लाख रख के आप कितना कमा रहे हैं, 5 लाख रुपए आप डाले हैं 5% के हिसाब से, 2500 25,000 रुपए कमा रहे हैं। यहाँ तो 25,000 आप एक दिन में कमा लेंगे, आपकी पूंजी भी सुरक्षित है एकदम, आपके साथ पूंजी हमेशा आपकी आंखों के सामने रहेंगे। तो दोस्तों कैसे करना है, अब आपने 5 लाख का माल लिया है, 5 लाख का माल एक दिन में आपकी दुकान में आ गया। अब आपने एक दुकान लेना है 500 स्क्वायर फीट। अब दुकान को फर्स्ट क्लास मेंटेन कर दीजिए, उसका लुक बेटर कर दीजिए, देखने में लगे कि ये बहुत बड़ी दुकान खुल रही है, ये बहुत बड़ी अच्छी दुकान है, यहाँ पे सस्ता सामान मिलेगा। और बोर्ड लगा दीजिए, जो भी आप दुकान का नाम रखना चाहते हैं दुकान का नाम रख दीजिए। नाम रखने के बाद बोर्ड फर्स्ट क्लास लगा दीजिए कि जिस एरिया में आप हैं पूरे इंडिया का नंबर 1 सबसे सस्ती दुकान ये है, दुकान सबसे सस्ता, दुकान सबसे सस्ता, प्रोडक्ट सबसे अच्छा प्रोडक्ट, जो भी आप अपना एक स्लोगन लिखना हो स्लोगन फर्स्ट क्लास का बोर्ड लगा दीजिए। आपका बोर्ड रेडी हो गया, अब आपकी दुकान में 5 लाख का माल भी आ गया। अब इस माल को कितना बेचना है, आपके यहाँ 5 लाख का माल आया है, लेकिन ये 5 लाख का माल जैसे आपको बेचना है, जिस तरीके से बेचना है दोस्तों एक ही दिन में बिक जाएगा, लेकिन हम सिर्फ उसमें से 1 लाख का मान के चल रहे हैं। आपने 5 लाख का माल मंगाया लेकिन एक दिन में 1 ही लाख बिका, जिस रेशियो से आप बेचेंगे 1 लाख आराम से बिक जाएगा आपको। तो दोस्तों 1 लाख आपका बिक गया, तो 1 लाख का 2% आपका 2000 प्रॉफिट हो गया। एक दिन की प्रॉफिट कितना हो गए, 2000 रुपए। अब आपने 15 दिन का हम यहाँ बताए रेशियो ले रहे हैं, तो इंटू 15 करेंगे तो 30,000 रुपए आपका प्रॉफिट हो गया। 15 दिन का प्रॉफिट कितना हो गया दोस्तों, 30,000। आपका मूलधन कितना था, 1 लाख। 1 लाख और 30,000 दोनों को हम ऐड कर देंगे, 15 दिन बाद हमारा हो गया 1,30,000। हमारा 30,000 प्रॉफिट, 1 लाख मूलधन, तो अब हम 1,30,000 का 2% लेंगे, फिर हम 15 दिन बेचेंगे तो हमारा कितना हो गया, 2,600 यानी 2,600 रुपये प्रॉफिट एक दिन का हो रहा है 2% के हिसाब से। तो 15 दिन का कितना हो गया, 39,000। 39,000 आपका प्रॉफिट हो गया, मूलधन कितना था, 1,30,000, दोनों को ऐड कर दोगे 1,79,000 आपका मूलधन रेडी हो गया 1 महीने में, यानी कि आपकी सेल डेयरी
एक लाख हो रही थी, उस हिसाब से आपका ये देखा जाए तो 69,000 प्रॉफिट हो गया, एक लाख की पूंजी पे 69,00,000 प्रॉफिट हो गया, 69,000 प्रॉफिट हो गया। अब हम इसको मूलधन में ऐड कर देते हैं, अब हमारी सेल हो गई 169,000 एक दिन की, 2% का रेशियो लेते हैं, 3380 रुपये एक दिन का प्रॉफिट हो गया इंटू 15, 50,700 15 दिन का हमारा प्रॉफिट हो गया। मूलधन हमारा कितना था, 169,000, दोनों को ऐड कर दोगे 219,700, 219,700 हमारा 45 दिन में सेल और प्रॉफिट दोनों का मिला के हो गया। अब हम इसको यहाँ पे 2% करते हैं तो 4,394 रुपये एक दिन का प्रॉफिट हो रहा है, इंटू 15 कर देंगे 65,910 रुपये, तो 65,910 प्लस 219,700 दोनों को ऐड कर दोगे 285,610 रुपये। आपका 2 महीने कंप्लीट होते होते, 1,00,000 की सेल होते होते आपका हो गया 285,610, जिसमें से आपका 1,00,000 का मान लो मूलधन है तो 185,610 रुपये आपका प्रॉफिट हो गया। अब हम चलते हैं तीसरे महीने में एंट्री करते हैं। अब तीसरे महीने में जब हम एंट्री करते हैं, इस समय हमारी दुकान का मजे का प्रचार भी हो गया होगा, काफ़ी लोग जान भी गए होंगे, इसलिए जान गए होंगे इसलिए प्रचार हो गया होगा क्योंकि हम सबसे सस्ता दे रहे हैं, इतना सस्ता 2% पे कोई बिजनेस ही नहीं करता, कोई भी बिजनेस करता वो 5% 10% पे, कोई बहुत बारीकी से बिजनेस करता होगा, वो बहुत बड़ा माइंड लगाया होगा तो 5% पे करता होगा, लेकिन 2 पे कोई नहीं करता है, 2 पे सिर्फ और सिर्फ होलसेलर करते हैं, ये तकनीकी कोई नहीं बताता है। तो दोस्तों 2% के हिसाब से हम यहाँ पे कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम सेल और बढ़ा देते हैं, क्योंकि हमको 2 महीना हो गया तो 1,00,000 इसमें सेल और बढ़ाते हैं। अभी हम 1,00,000 का सेल मान के चल रहे थे तो तीसरे महीने में 1,00,000 का सेल और ऐड कर लेते हैं, तो 285,000 प्लस 1,00,000, अब यहाँ पे हमारा पर डे का सेल जो हो रहा है 385,610 रुपये, कितना हो रहा है दोस्तों, 385,610 गुणे 2% अगर हम करते हैं तो 7,712 रुपये एक दिन का प्रॉफिट हो रहा है, तो 15 हम करते हैं तो 115,680 रुपये, 115,680 रुपये प्रॉफिट हो गया, प्लस हमारा मूलधन 385,610 ऐड कर दोगे कितना होगा, 5,01,290 इंटू 2% कर दो तो 10,000 एक दिन की प्रॉफिट हो रही है, तो गुणे 15 150,375 रुपये प्रॉफिट हो गया, प्लस 5,00,000 आपका ऐड कर दोगे 6,51,665 रुपये आपका तीसरा महीना कंप्लीट होते आपका मूलधन हो गया, आपने लगाया कितना था 5,00,000 रुपये। अब हम चलते हैं चौथे महीने में, चौथे महीने में 6,51,665 को 2% कर दोगे 13,033 रुपये, 13,033 को आप 15 दिन का एक दिन का प्रॉफिट है 13,033 रुपये, सोचिए एक दिन की प्रॉफिट 13,033 रुपये, अगर आप एक दिन के खर्चे भी निकाल दोगे, लड़की को 300 रुपये दे रहे हो, 2 लड़का है 600 रुपये दे रहे हो, एक दिन का किराया 500 रुपये दे रहे हो, अगर आप 2,000 डेली का खर्चा भी निकाल दोगे, 3,000 डेली का खर्चा निकाल दो तो भी दोस्तों यहाँ पे आपका 10,000 डेली का प्रॉफिट हो रहा है, सारे खर्चे काटने के बाद करने कुछ नहीं है। अब 15 दिन का ले लोगे 1,95,495 रुपये आपका प्रॉफिट हुआ, मूलधन कितना है 6,51,665, ऐड कर दो 8,45,160 रुपये, 8,45,160 रुपये आपका पूंजी हो गया, 5,00,000 की पूंजी इतने हो गए, गुणे 2% यहाँ हो गया 1,69,000 दोस्तों 16,643 रुपये, 16,943 रुपये आपका एक दिन का अब यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है। चलो फिर यहाँ मान देते हैं 2,000-3,000 डेली का निकाल दो, खर्चे निकाल दो तो भी आपका कितना प्रॉफिट हो जाएगा, अब इंटू 15 कर दोगे 2,54,145, 2,54,145 और आपका पूंजी कितना है दोस्तों 8,47,160 रुपये, दोनों को ऐड कर दो 11,01,305 रुपये आपका चौथा महीना कंप्लीट होते होते हो गया। अब हम आएंगे पांचवें महीने में, पांचवें महीने मेरे पास पूंजी हो गई, एक दिन का सेल हो गया 11,01,305 इंटू 2%, तो यहाँ पे कितना हो गया 2,226 रुपये, 22,000 दोस्तों होगा, हाँ सॉरी एक आई हाँ 22,026 रुपये एक दिन की सेल हो गई, तो 15 दिन की सेल कितना हो गई 3,30,390, 3,30,390 को और आपका मूलधन कितना है दोस्तों 11,00,000 ऐड कर दीजिए, यहाँ पे हो गया 14,00,000,
3,695 रुपये को 2% करिए, यहाँ पे हो गया आपका 28,633 रुपये एक दिन का प्रॉफिट। इंटू 15 कर दोगे 4,29,495 और 14 लाख आपका पहले से है, टोटल हो गया सेल आपका 18,61,190, यानी 5 लाख की पूंजी 5 महीना कंप्लीट होते होते आपकी 18 लाख बन गई। अब ये सोचिए यानी कि 4 गुना पूंजी आपकी हो गई है। अब यहाँ पे सेल आपका काफ़ी बढ़ गया है। अब आप यहाँ पे एक काम और कर सकते हो दोस्तों, अब आपका अगर हम यहाँ पे 2% लेते हैं तो करीब 36,000 एक दिन का प्रॉफिट होगा, लेकिन अगर हम यहाँ पे 1% ले गए हैं तो 18,000 एक दिन का प्रॉफिट होगा। एक ही परसेंट पे अगर आप करोगे 18 लाख का 1% तो भी आपका 18,000 एक दिन का प्रॉफिट होगा। अब ये कहिए कि 1% पे कोई बिजनेस कहीं करेगा? अब जहाँ पे आप 18 लाख की डेली सेल कर रहे हो तो आप कितने बड़े व्यापारी हो गए हो, आप खुद सोचिए। अब यहाँ पे सारी कंपनियाँ आपको खुद माल दे जाएंगी, ऊपर से इंसेंटिव भी देंगी, ऊपर से आपका एक पैसा भी नहीं लगेगा। भैया जिसके यहाँ 18 लाख की सेल हो रही है उस वहाँ पे उधार दे दो, हमारा एक हफ्ते में तो पूंजी खाली हो जाएगी। यहाँ पे आपको तो कुछ जाना ही नहीं है, यहाँ पे तो आपको 1% में बिजनेस करोगे 2% इंसेंटिव मिल जाएगा, ऊपर से पूंजी भी नहीं लगी। ये है बिजनेस करने का तरीका। अब हम बिजनेस कौन सा है उससे पर्दा हटाते हैं। ये बिजनेस है दोस्तों ग्रोसरी स्टोर का बिजनेस, किराना स्टोर का बिजनेस, डेली नीड की जरूरत है। आप इसको गांव में कर सकते हो, अपने मार्केट से कर सकते हो, आप इसको सिटी में कर सकते हो, कहीं भी ये बिजनेस आप कर सकते हो आंख मूंद के, लेकिन फार्मूला यही लगाना है। इस फार्मूले से आप बिजनेस करोगे तो आप कभी फ्लॉप नहीं होगे, क्योंकि ये फार्मूला कोई बताता नहीं है। तो दोस्तों इस ढंग से अब हम आपको क्लियर कर देते हैं कैसे करना है, कैसे होगा इतने का सेल, ये भी हम क्लियर कर देते हैं। जो सबसे रनिंग प्रोडक्ट है आपका क्या है दोस्तों? चीनी। जो सबसे ज़्यादा बिकता है चीनी, और क्या है? चाय। चाय, चीनी, बिस्किट, बिस्किट, नमक, तेल। तेल में बहुत सारे तेल आते हैं, यहाँ सरसों का तेल आता है, आप सोयाबीन का तेल आता है, और यहाँ पर तिल का तेल आता है, और इसमें घी भी आते हैं जो घी बिकते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो बिकता है सरसों का तेल बिकता है और सोयाबीन का तेल बिकता है, तिल उल का बहुत कम मात्रा में बिकता है, इतने प्रोडक्ट। अब चलिए हम आपको समझा देते हैं। मान लीजिए आज की डेट में दोस्तों चीनी 36 रुपये आपको खरीद मिल रही है, 36 रुपये खरीद मिल रही है, हम यहाँ पर रेशियो क्या बताए हैं 2% के हिसाब से, 2% 36 × 2 करोगे कितना आएगा? 72 पैसा। कितना आ गया? 72 पैसे, यानी 36 रुपया 72 पैसा। बेचना कितने में है? 36 72 नहीं, इसको हम बेचेंगे कितने में? 37 रुपये में, मतलब 37 रुपये में बेचेंगे तो हमारा 3% के लगभग जाएगा। तो 37 रुपये में हम जब बेचेंगे और 36 रुपये हमारा खरीद है, लेकिन आज की डेट में मार्केट में आप जाके देखिए दोस्तों, कोई बहुत सस्ता बेच रहा होगा 40 बेच रहा होगा, 41 42, इससे कम कोई नहीं बेच रहा होगा। अगर आज आप वीडियो आपके पास पहुंचे, आप वीडियो देख करके जाके रेट में मार्केट पता कर लेगा, इस रेट में आप कितने में बेच रहे हो? 37 रुपये में। तो ग्राहक कहाँ खरीदेगा? यहाँ खरीदेगा, यहाँ खरीदेगा, यहाँ खरीदेगा, यहाँ खरीदेगा, फायदा आप यही कहेंगे कि यहाँ खरीदेगा। डिफरेंट कितने का आ रहा है? 5 × 4 = 11। अगर 41 में ले रहे हैं 4 रुपये का, अगर आदमी को 1 रुपये भी सस्ता मिलता है ना तो 10 किलोमीटर दूर से जाके सामान लाता है, तो दोस्तों आपके यहाँ से बिकेगा। अब दूसरा हम बात करते हैं चाय की पत्ती की। चाय की पत्ती ले लो, चाय की पत्ती पे 15 से 20% पे काम होता है। अगर आप 2% पे बिजनेस करोगे, चलिए चाय पत्ती का दाम हो गया 30 रुपये, 30 रुपये चाय पत्ती का दाम है, आपको खरीद 30 रुपये में पड़ी है, MRP जो भी उसकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ। अगर इसकी MRP मान लीजिए 30 रुपये, चलिए फल 30 रुपये, तो 30 रुपये में इसको सब कितने में बेचेंगे? 30 में बेचेगा। कोई बहुत कुछ छोड़ देगा तो इसको 28 में बेचेगा। अगर इसको हम 15% पे मांग के चलते हैं, मार्जिन फिर मिल रहा है, तो 4.5 रुपये आप घटा दो, यानी कि 4.5 घटा दोगे इन नियर अबाउट आपको 25.5 रुपये लमसम मिलेगा। तो 25 रुपये हम मान के चलते हैं, 25 रुपये मिल रहा है 2%, 25 × 2 = 50, 25 × 2 = 50, 2% के हिसाब से कितना गया? 50 पैसे प्रॉफिट ही तो गया, 25 × 2 = 50, 50 तो 25.5 रुपये में, चलो 26 रुपये में बेच रहे, कौन 26 रुपये में चाय की पत्ती बेचेगा?
₹2 पे आप बेचो, ₹3% पे आप बेचो तो भी बिकेगा, आराम से बिकेगा। आपको फिर परसेंट पे यहाँ काम करना है, माल आपके घर आ रहा है, लेने नहीं जा रहे हो। चलो इसका एग्जांपल, दूसरा एग्जांपल बिस्किट का ले लो, ये भी 10 से 12% होता है। 10 से 12% आपको मान लीजिए, जो बिस्किट मान लीजिए ₹10 की बिस्किट है, ₹10 की बिस्किट, ये सब तो MRP पे बिकते हैं, इसको कोई नहीं छोड़ता, लेकिन आप यहाँ तोड़ के बिजनेस कर रहे हो, इसको आपको 10% मिल रहा है, यानी कि ₹9 मिल रहा है, 9 × 2 = 18, आप 9.5 रुपए में बेचो, आपको यहाँ 10 वाले लेने जाएंगे, 9.5 पे लेने आपके पास आएंगे। चलिए अब नमक की बात करते हैं, आज जो आपकी कंपनी का सबसे ज़्यादा पॉपुलर आपके क्षेत्र में बिकता हो, MRP 28 रुपए होगी, वो कौन बेचेगा? कोई 26 बेचेगा जो बहुत कम रेट पे बेचता होगा, नहीं तो 27 नहीं तो 28 पे ही बेचेंगे। ये आपको मिलेगा कितने में? 24 रुपए में, 24 रुपए में आपको मिल रहा है, आप 2% लेके चलिए, 24 × 2 कितना हुआ? 48 हुआ, 48 पैसे यानी 50 पैसे मार्जिन लेके चलिए, 25 रुपए में आप बेचिए तो 25 रुपए में लोग आपके यहाँ लेंगे कि वहाँ 27-28 में लेने जाएंगे? आप सोचिए। चलिए दूसरा एग्जांपल देते हैं, मस्टर्ड ऑयल, सरसों का तेल का, सरसों के तेल का आज का रेट दोस्तों 140 रुपए, 140 रुपए में होलसेल आपको मिलेगा, इसकी MRP 175, मार्केट में बिक कितने में रहा है? कोई बहुत कम बेच रहा है, 155 में बेच रहा है, कोई 160 में बेच रहा है, लेकिन कोई 150 में बेच रहा है, 150 से नीचे कोई नहीं बेच रहा है, इसको आप 2% ले लो, 14 × 2 = 28, 2.80 रुपए, यानी कि आप उसको 143 रुपए में बेचो। अब 143 में बेचोगे तो कोई 143 वाले के यहाँ लेगा कि लोग जो 150 बेच रहा है उसके यहाँ लेगा? इसी तरह से सारे तेल पे 2% पे आप बिजनेस करिए, सब जितना भी प्रोडक्ट, और वो आप रनिंग प्रोडक्ट रखिए जो सबके घर डेली बिकता है, सिर्फ और सिर्फ 2% पे रेट लगा के बेचिए, पूरे एरिया की दुकान ना बंद हो जाए तो कहना। अब इसमें आपका फर्क क्या रहा है? सारी चीज़ों की MRP एक साल होती है, कोई फड़ने गलने की चीज़ है? कोई सड़ने गलने की चीज़ नहीं। इस ढंग से बिजनेस करिए, बिजनेस धुआंधार चलेगा। अब इसको प्रचार भी करना है, यहाँ तो हमने 1 लाख बताया, एक दिन की सिर्फ 5 लाख का सामान ले रहे हैं, एक दिन में 5 लाख का सामान बिक जाएगा, सिर्फ लोग जान जाए, किसी के घर शादी होता है, किसी के घर पार्टी होती है, तो 2-2, 3-3 हज़ार, 20-20 हज़ार का, 50-50 हज़ार का सामान लेते हैं, आपके यहाँ लाइन लग जाएगी। हमने 2 लड़की की बात किया, आप 5-5 लड़के रखेंगे तो भी दोस्तों कम पड़ जाएंगे, सबको हमको दो, लूट मर जाएगी, लूट मच जाएगी, ये बिजनेस तरीका कोई नहीं बताता। अब यहाँ से आपके यहाँ फुटकर भी बिकेगा, रिटेल भी बिकेगा, थोक वाले भी ले जाएंगे, धुआंधार आपके यहाँ माल। ये है बिजनेस करने का असली तरीका। अब आपको करना क्या है? आपको पंपलेट छपवाना है, और पंपलेट पे चीनी का रेट लिखना है जो सबसे ज़्यादा खुला रेट दिखता है, उस पर किसी एक तेल का रेट लिख दीजिए, आज का रेट हमारे यहाँ इस रेट पे मिलेगा, और डेली रेट के लिए आप इस नंबर पे व्हाट्सएप करें या कॉल करें या मिस कॉल करें, हम रेट आपको दे देंगे, आपको रेट समझ में आए तो आके संभाल लीजिए। ये होता है बिजनेस करने का असली तरीका। जब भी दोस्तों बिजनेस करना, बिजनेस को मैं उड़ा दूंगा आपके बिजनेस को, हमारा गारंटी है, हम कर रहे हैं, करवा रहे हैं, रियलिटी आपको बता रहे हैं, इस ढंग से कोई बताता नहीं है। आप वीडियो देखकर आपको समझ में आ गया होगा रियलिटी क्या होती है। तो दोस्तों चलिए बिजनेस करिए और अपने सपनों को नई उड़ान दीजिए। फिर मिलते हैं एक ऐसे ही गुप्त सीक्रेट जानकारी के साथ अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, जानकारी अच्छी लगी हो, तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपका ही भला होगा अच्छी जानकारी के लिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।